कुछ समय पश्चात राजा वहां से चले गए। राजा के जाने के बाद रानी सोचने लगी कि मैं अमर होकर क्या करूंगी। अमर तो मेरे प्रेमी को होना चाहिए ताकि जब तक जीवित रहूं वह मुझे इसी तरह प्यार करता रहे। रानी अपने सारथी पर आसक्त थी, अतः वह फल उसने उसे दे दिया। सारथी ने सोचा, जिस वैश्या की सुंदरता पर मैं मंत्रमुग्ध हूं तथा जिसे मैंने अपने दिल में खास जगह दे रखी है, यह फल तो उसे ही देना चाहिए। उसी दिन उसने वह फल चित्रसेना नाम की एक वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा, यह जीवन की कोई जीवन है? मैं तो वैसे ही इस नरकीय जीवन से बोर हो चुकी हूँ। अब अमर होकर क्या करूंगी? यह फल तो महाराजा विक्रमादित्य जैसे गुणी को मिलना चाहिए, जो युगो युगो तक अपनी प्रजा का भला कर सके। यह सोचकर अगले दिन वह राज दरबार पहुंची तथा राजा को फल देकर कहने लगी, महाराजा मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करें। राजा विक्रमादित्य उस अमर फल को वैश्या के पास देखकर अचंभित हो गए। अगले ही पल उनकी आंखों से क्रोध की चिंगारियां फूटने लगी। उन्होंने सख्ती से वैश्या से पूछा, बता यह फल तुझे किसने दिया? वैश्या घबरा गई और सब कुछ राजा को सच सच बता दिया। महाराजा विक्रमादित्य पूरी बात समझ गए। उन्होंने वैश्या को उचित इनाम देकर वहां से विदा किया। वैश्या के जाने के बाद राजा सोचने लगे कि जिस स्त्री को मैंने इतना चाहा, इतना प्यार दिया, उसी ने मेरी पीठ पर छोरा घोप दिया। आज के युग में किसी पर विश्वास करना ठीक नहीं। सो यही सोचकर वह दुखी मन से रानी चंद्रप्रभा के कक्ष में पहुंचे और उस अम्रफल को अपने हाथ में छिपा लिया। वहां जाकर राजा ने रानी चंद्रप्रभा से पूछा, प्रिय क्या तुमने वह अम्रफल खा लिया? रानी झूठ बोलते हुए कहने लगी, हाँ प्राणनाथ, वह तो मैंने स्नान करने की बात ही खा लिया था। यह सुनते ही राजा का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया तथा उन्होंने अपने हाथ खोलते हुए रानी को वह अम्रफल दिखाया और बोले, यदि तुमने वह अम्रफल खा लिया था तो यह मेरे पास कहां से आया? रानी भयभीत हो गई तथा हाथ जोड़कर राजा के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, क्षमा क्षमा करो महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चंद्रप्रभा, हमने तुम्हें जी जान से चाहा, तुम्हें बाकी रानियों से अधिक प्यार दिया और तुमने हमारे प्यार का यह सिला दिया। यदि हम चाहें तो अभी तुम्हारा सर कलम कर दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आज से हमारा हर चीज से विश्वास उठ गया है। हम जान गए हैं कि इस संसार के सभी प्राणी छल कपट के सहारे जीवित हैं। अतः हम आज ही यह सब मोह माया छोड़कर सन्यासी बनकर जंगल में जा रहे हैं। इसके बाद तुम्हारा जो मन करे वह करना। तब तुम्हें किसी से क्षमा याचना करने की न तो कोई आवश्यकता पड़ेगी और न ही दंडित होने का भय होगा। उसी समय राजा विक्रमादित्य सारा काम छोड़कर वन की ओर चल दिए। रानी ने उन्हें खूब रोका, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। राजा के जाने के बाद रानी चंद्रप्रभा को आत्मग्लानि हुई और इसी कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। राजा के जाने के बाद शासन की बागडोर राज्यों के कुछ निपुण मंत्री संभालने लगे, लेकिन राजा तो राजा होता है, मंत्रियों के वश का यह राज्य चलाना संभव नहीं था। इसलिए आस पड़ोस के छोटे राजा भी उसे हड़पने के सपने देखने लगे। जब इंद्रदेव को ज्ञात हुआ कि देवलोक में यश और कृति अर्जित करने वाले राजा विक्रमादित्य सब काम का छोड़कर वन में सन्यासी होकर रहने लगे और धारा नगरी पर शत्रुओं की नजर है, तो उन्होंने एक देव को राज्य की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। विक्रमादित्य की अनुपस्थिति में वह देव राज्य की दुश्मनों से रक्षा करने लगे और प्रजा को खुश रखने लगे। उधर तपस्या करते करते जब काफी समय बीत गया तो एक दिन राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि क्यों ना एक बार धारा नगरी जाकर वहां के हाल समाचार मालूम कर लूं। यही सोचते हुए विक्रमादित्य सन्यासी के वेश में वहां से नगर की ओर निकल पड़े। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने नगर में प्रवेश किया, तभी नगरी के देव ने उन्हें रोक लिया और पूछने लगे, कौन हो तुम? उन्होंने देव से कहा, मैं इस राज्य का राजा विक्रमादित्य हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं इंद्रदेव द्वारा तैनात किया गया इस नगरी का राक्षस देव हूँ। यदि तुम विक्रमादित्य हो तो तुम्हें मुझसे मल्ल युद्ध करना पड़ेगा, तभी तुम इस नगरी में प्रवेश कर सकते हो।
राक्षस देव के ललकारों पर विक्रमादित्य युद्ध लड़ने को तैयार हो गए। युद्ध हुआ, राजा विक्रमादित्य ने राक्षस देव को पूरी तरह से परास्त कर दिया। फिर उसके सीने पर लात रखकर बोले, अब बताओ राक्षस देव, कौन अधिक शक्तिशाली है? मैं बताता हूँ कि तुम ही राजा विक्रमादित्य हो। इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब मेरी कुछ बातों को ध्यान पूर्वक सुनो राजन, तत्पश्चात सुखपूर्वक राज्य करो। विक्रमादित्य ने उसे आजाद कर दिया। कुछ देर बाद देव ने कहा, सुनो राजन, काफी समय पहले इस राज्य पर चंद्रभान नामक शासक का शासन हुआ करता था। आपके पूर्वजों ने इसी राजा से राज्य छीना था। एक बार राजा शिकार खेलने गए, वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक वृक्ष पर एक योगी उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा था। वह योगी केवल धुआं पीकर ही जीवित रहता था। इसके अतिरिक्त वह न तो कुछ खाता था और न ही कुछ पीता था। वह अपनी तपस्या में लीन रहता था। राजा शिकार करने के पश्चात अपने महल गया। महल पहुंचकर उसने अपने दरबारियों को उस योगी के बारे में बताया और कहा, जो व्यक्ति उस योगी की तपस्या भंग कर देगा, मैं उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दूंगा। दरबार में एक गज नर्तकी की उपस्थिति थी। राजा की बातें सुनकर नर्तकी राजा विक्रमादित्य से बोली, महाराज, क्या मैं भी ऐसा कोई इनाम पा सकती हूँ? हाँ, मेरी तरफ से सभी स्वतंत्र हैं। यदि ऐसी बात है तो हे राजन, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं योगी की केवल तपस्या ही भंग नहीं करूंगी, अभी तो उससे एक पुत्र उत्पन्न कर और उसे अपने साथ दरबार में लाकर आप सबके सामने पेश करूंगी। नर्तकी, अगर तुमने यह काम कर दिया तो हम तुम्हें उचित उपहार देंगे, मगर यदि तुम इस कार्य में सफल न हो सकी तो आइंदा तुम हमें अपनी सूरत मत दिखाना। यह सुनकर नर्तकी वहां से चली गई। अगले ही दिन वह उस वन में पहुंच गई जहां पर तपस्वी उल्टा लटक कर अपनी साधना में लीन था। नर्तकी ने वही एक झोपड़ी बना ली। उसके बाद उसने खाना बनाकर योगी के मुंह में डाल दिया। तपस्वी ने अपनी आंखें खोली तो वह उस नर्तकी की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया। फिर तो वह खाने पिलाने का सिलसिला रोज चलता रहा। धीरे धीरे नर्तकी उसके करीब आ गई और उससे प्यार भरी बातें करने लगी। तपस्वी का मन अब तंत्र मंत्र की विद्या व साधना में नहीं लगा और एक दिन वह पेड़ से उतरकर नर्तकी से कहने लगा, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरी छोटी सी कुटिया बराबर में ही है, नर्तकी ने कहा। तुमने मेरी इतनी सेवा क्यों की? क्षमा करें प्रिय, मैं आप पर मोहित हूँ तथा जीवन भर आपके साथ रहना चाहती हूँ। तपस्वी उसकी मीठी बातों में आ गया और उसके साथ जाकर उसकी कुटिया में रहने लगा। इस प्रकार दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और पति पत्नी बनकर अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ समय बाद नर्तकी गर्भवती हो गई और समय आने पर उसने सुंदर शिशु को जन्म दिया। जब बच्चा 1 वर्ष का हो गया तो एक दिन नर्तकी ने अपने पति योगी से कहा कि सुनो प्रिय, मेरा मन तीर्थ यात्रा पर जाने का कर रहा है। तपस्वी ने उसकी बात मानी और तीर्थ यात्रा पर चल निकले। नर्तकी तपस्वी को पहला फुसलाकर राजा के दरबार में ले आई। उस समय तपस्वी ने अपने पुत्र को अपने कंधे पर बैठा रखा था। राजा चंद्रभान नर्तकी को देखकर चौंक पड़े और शर्तानुसार उसे उचित उपहार भेंट किया। तपस्वी को जब पूरी कहानी के बारे में पता चला तो वो क्रोधित हो गया। उसने नर्तकी से उत्पन्न पुत्र को मार दिया और वापस जंगल में जाकर अपनी तंत्र साधना में लग गया। उसने अपनी तंत्र विद्या के बल पर राजा चंद्रभान को राज्य विहीन कर मार दिया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य, उनका सारा राज्य तुम्हारे पूर्वजों के हाथ में आ गया। बाद में नर्तकी की भी मृत्यु हो गई। फिर एक ही लग्न मुहूर्त में 3 योगियों का जन्म हुआ। एक ने राजा के घर पर जन्म लिया, दूसरा तेली के घर पर जन्मा और तीसरे का जन्म कुम्हार के घर पर हुआ। ये तीनों क्रमशः राजा, नर्तकी और नर्तकी के पुत्र थे, जिनका बैर अभी खत्म नहीं हुआ था। सुनो राजा विक्रमादित्य, नर्तकी तुम्हारी छोटी पत्नी चंद्रप्रभा के रूप में जन्मी और तुम्हारे साथ छल किया तथा बाद में भेद खुल जाने पर आत्महत्या कर ली।
तेली के घर में पैदा होने वाला योगी भटका और फिर से जन्म लेकर इस जन्म में भी तपस्या कर रहा है, और वह तपस्वी पिछले जन्म में योग साधना तोड़ने के पाप का दंड पिशाच बनकर भोग रहा है, जो एक वृक्ष पर हर समय उल्टा लटका रहता है। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए बताई हैं राजा विक्रमादित्य, ताकि तुम सावधान रहो और अपने राज्य को खूब खुशहाली प्रदान करो। देव के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य को यह समझने में देर नहीं लगी कि देवता भी यही चाहते हैं कि मैं पुनः धारा नगरी का राजकाज संभाल कर अपने राज्य व प्रजा की रक्षा करूं। तो उसी दिन से विक्रमादित्य ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली तथा राक्षस देव वापस चला गया। सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। एक दिन महाराजा के दरबार में एक योगी आया। उसने राजा को एक फल दिया और थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। राजा को शक हुआ कि कहीं वह वही योगी तो नहीं। उसने भंडारी को बुलाकर वह फल उसे दिया और कहा, भंडारी इसे संभाल कर भंडार गृह में रख दो। राजा की बात सुनकर उसने वह फल भंडार गृह में रख दिया। दूसरे दिन वह योगी फिर आया और राजा को एक फल दिया। इस प्रकार यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही। एक दिन राजा यह जानने को उत्सुक हुआ कि आखिर इस फल में क्या है। सो यही सोचकर उसने उनमें से एक फल कटवाया। फल के कटते ही उसमें से एक लाल निकला, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। राजा की उत्सुकता बढ़ती गई और उसने धीरे धीरे करके सारे फल कटवा दिए। आश्चर्य, प्रत्येक फल में एक एक लाल निकला। राजा व वहां बैठे सभी दरबारीगण आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने तुरंत सिपाहियों से जौहरी को दरबार में लाने का आदेश दिया। सिपाही जौहरी को लेकर दरबार में आए। राजा ने जौहरी को वे लाल दिखाए तो जौहरी ने बताया कि ये लाल बहुत ही कीमती हैं। ऐसा कहकर वह जौहरी चला गया। अगले दिन वह योगी फिर राजा के दरबार में आया तो राजा ने उनसे उस लालों की चर्चा की। तब योगी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, राजन यह सब तो योग बल की विद्या है, लेकिन आपने यह फल मुझे क्यों दिए? राजन मैं एक योगी हूँ और तंत्र मंत्र द्वारा मुझे अभी तक केवल एक सिद्धि प्राप्त हुई है। यदि तुम मेरा साथ दो तो तुम्हारे पास कुबेर का खजाना होगा, योगी ने कहा। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उत्सुकता पूर्वक राजा ने पूछा। राजन मैं कृष्णा नदी के तट पर श्मशान में योग साधना कर रहा हूँ। यदि तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें अकेले श्मशान में मुझसे मिलने आना होगा। राजा विक्रमादित्य योगी की बात से सहमत हो गए। वह बोले, मगर मुझे कब आना होगा? भादोबदी 14 को। राजा ने योगी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। निश्चित तिथि पर राजा हथियार युक्त महल से निकलकर उस योगी से मिलने गए। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रतापी राजा ने इसका धैर्य पूर्वक सामना किया और श्मशान तक पहुंच गए। श्मशान का वातावरण बहुत भयभीत करने वाला था। चारों ओर भूत भूतनियों की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन राजा उनसे कहां डरने वाला था। वह निडरता पूर्वक उस योगी के पास गया। उसका साहस देखकर योगी प्रसन्न हो गया। योगी के पास पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने उससे पूछा, मुझे क्या करना होगा? राजन जो काम मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ वह बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम एक प्रतापी साहसी और निडर राजा हो। राजन यहाँ से 2 कोस की दूरी पर एक मुर्दा पेड़ पर लटका हुआ है, तुम उसे अपनी पीठ पर लादकर यहाँ ले आओ। वह रास्ता जिस पर योगी ने राजा विक्रमादित्य को भेजा था वह बहुत ही बीहड़ था। रास्ते में भूत प्रेत नाचते हुए मिले, लेकिन राजा विक्रमादित्य निडरता पूर्वक उनका सामना करता हुआ 2 कोस की दूरी पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि वास्तव में पीपल के वृक्ष पर एक मुर्दा उल्टा लटका हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने उसे पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लाद दिया। मुर्दा जोर जोर से हंसने लगा और राजा के कंधों से उतरकर पुनः उसी वृक्ष पर उल्टा लटक गया। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। वह पलटकर दोबारा मुर्दे के पास गया। तुम कौन हो? मुर्दे ने पेड़ पर लटकते हुए ही कहा। मैं धारा नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ, तुम कौन हो? मुर्दा
मुर्दे का कोई नाम नहीं होता, न जात न पात, वह तो सिर्फ एक मुर्दा है। तुम बताओ कि तुम्हारा यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? मैं एक योगी के आदेशानुसार तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। अपनी बात कहते समय विक्रमादित्य की आंखें लगातार उस मुर्दे के चेहरे पर थी। वह सोच रहा था कि शायद यह वही योगी तो नहीं जिसके बारे में राक्षस देव ने मुझे बताया था। सुनो राजन, मेरा नाम बेताल है और मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। वह यह कि मैं सफर में तुमसे बातें करता चलूंगा, बीच बीच में तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कहानी सुनते समय या बीच में तुम कुछ नहीं बोलोगे। यदि तुमने अपनी जुबान खोली तो मैं तुम्हारे कंधे से उतरकर वापस उसी वृक्ष पर मुर्दे के समान लटक जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने उसकी शर्त मान ली और बेताल को अपने कंधे पर लाद कर चल पड़ा। कुछ दूरी पर चलकर बेताल ने कहा, सुनो राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने के पश्चात तुम्हें अपना न्याय सुनाना है। मैंने सुना है कि तुम बहुत न्याय तर्क हो। अगर तुमने कहानी सुनकर अपना न्याय न सुनाया तो भी मैं तुम्हारे हाथ से छूटकर पुनः पेड़ पर जा लटकूंगा। ठीक है, राजा ने कहा। राजा द्वारा बात स्वीकार कर लिए जाने पर बेताल ने कहानी सुनानी आरंभ की।